अयोध्या में है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ और मैं इसलिए वहाँ पे मौजूद हूँ कि जिस डेवलपमेंट की बात की जाती है उस डेवलपमेंट को आज हम जानने आए हैं कि आखिरकार अयोध्या कुछ महीने पहले कैसा था, कुछ महीने बाद कैसा हुआ। और अगर हम बात करें तो लगातार देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह जो है ये पुराना रेलवे स्टेशन है जो कि लगातार एक लंबे समय से यहाँ पर देखने को मिलता था, ये वो पुराना रेलवे स्टेशन है। लेकिन अब जब से राम मंदिर का टेम्पल यहाँ पर बना है, राम मंदिर बना है, तब से जो है अयोध्या में विकास की जो लहर है वो बहती जा रही है। और ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम में अब अयोध्या जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो नया स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है इसको ऐसा बनाया गया है, तमाम लोगों के लिए सुविधाएं जो है यहाँ पे अरेंज की गई हैं। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे लोगों से बात करके कि आखिरकार अयोध्या में क्या विकास हुआ है और अयोध्या की तस्वीर किस तरह जो है बदलती नजर आ रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अमेठी जिला। अमेठी से आए हैं। ये बताइए कि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? सेकेंड बार जी। फर्स्ट टाइम जब आए थे तब क्या एक्सपीरियंस था और सेकेंड टाइम आए हैं तो क्या एक्सपीरियंस? सेकेंड टाइम आए तो बहुत बदलाव हमें देखने को मिला है। इसके पहले हम लगभग 5 साल पहले आए थे। हाँ, तो क्या रेलवे स्टेशन था उस वक्त? नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं था। हम बस के माध्यम से आए थे। सुविधा भी उतना नहीं थी, हमें बस का इंतजार करना पड़ता था और ट्रेन का माध्यम जो था बड़ा ही दूर था। अब इस टाइम हम आए हैं तो ट्रेन की भी सुविधा है, बस की भी सुविधा है, एयरपोर्ट की भी सुविधा हो गई है। मतलब कि देखने को बहुत बदलाव मिला है इस बार। मैं असम से हूँ। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। पहले से बहुत बेहतर है। सर, आप बाई ट्रेन आए हैं? मैं बाई ट्रेन में आया हूँ। बाई ट्रेन आए हैं तो ट्रेन में आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही थी जो पहले मिलती थी? हाँ, नहीं, फैसिलिटी पूरा मिल गया हम लोग का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रधानमंत्री का रोड शो भी है यहाँ पर, कितने एक्साइटेड हैं आप? फुल्ली एक्साइटेड है हम लोग, फुल्ली एक्साइटेड। उनका इंतजार करेंगे? हाँ, हम लोग इंतजार कर रहा हूँ। मिलकर जाएंगे? हाँ हाँ, जरूर मिलकर जाएंगे। ट्रेन बंद करवा दिए हैं। हाँ? ट्रेन बंद करवा दिए हैं। हाँ। सुल्तानपुर के लिए ट्रेन ही नहीं है, सब लख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आप इंतजार कर रहे हैं पीएम का? जी। अच्छा, सर आप बताइए क्या राय है? विकास हुआ है हमारे यहाँ। हम बिहार से है, भभुआ जिला से। बिहार से आए हैं? जी, बिहार से, भभुआ से। बिहार विकास किया है? बहुत अच्छा किया है। और यूपी? यूपी से थोड़ा कम है। लेकिन विकास कब कहाँ हुआ है, बिहार में या यूपी में? यूपी में ज्यादा हुआ है। यूपी में ज्यादा हुआ है जी। तो मोदी और योगी काम आ रहे हैं यूपी? दोनों भी आई पी अच्छे है। वर्ल्ड में ऐसा कोई आदमी नहीं है जैसा मोदी है, जैसा योगी है। क्यों ऐसा सर? ऐसा इसलिए कि जो काम नहीं होने वाला था, जो जनता मेरे बाप दादा तक नहीं किए, ये लोग दोनों कर दिए। मेरे खानदान का मैं नाम सुना, मेरा 61 साल उम्र हो रहा है। 61 साल से मैं सुनता रहा कि मंदिर बनेगा या और विकास का काम, राशन मिल रहा है सबको। मंदिर चुनाव में मुद्दा है? नहीं, आदमी जनता उनको देख के वोट देगा। मंदिर तो अपना मजहब है, उसे क्या मतलब है? मंदिर मुद्दा नहीं, मंदिर मुद्दा नहीं, मंदिर क्या मतलब हमको? विकास से मतलब है, उनका विकास अच्छा है, उनको वोट मिलेगा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री पांडे। कहाँ से आई हैं? यहीं पर रहने वाले हैं, यहीं की रहने। हमारी शादी यहीं हुई है। अब मेरा मकान जा रहा है, लेकिन 4-7 साल हो रहा है। अब सड़क चौड़ी में मकान जा रहा है। हाँ, चला जाए। दुख है? बस खाली दुख है, भगवान को दर्शन पाती थी ना, जब से आई तब से भगवान दर्शन पा रही थी। अब और खुशी है, भगवान के साथ मिल लिए हैं। तो राम मंदिर बन गया, कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब तो यहीं के रहने वाले हैं। जब टूटा था वो मस्जिद क्या था, हम तो रही नहीं, लेकिन जो बताते थे उससे तो कितना वो फेमस हुआ। बहुत अच्छा। बताइए, अयोध्या में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? अरे जैसे अब मंदिर बन गया, भगवान मंदिर आ गए ना, कितने वर्षों बाद ना एगा है। और जो गरीब आदमी को जो कहीं कहीं देखो कॉलोनी दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, रोजगार मिला लोगों को? रोजगार दे रहे हैं, दुकान उकान जैसे दे रहे होंगे। हैं, हमको नहीं मिला अभी, लेकिन भाई और सबको तो मिल रहा है ना। तो लेकिन आप खुश हैं? हाँ, हम तो भाई खुश है। मोदी जी आने वाले, आज मोदी योगी दोनों आ रहे हैं ना, तो एक्साइटेड है, खुश? अरे अब खुश क्यों नहीं रहेंगे भाई, हम तो खुश है ही रहेंगे। हमारे नगरी में आ रहे हैं, मिलने आए तो फिर क्या बोलेंगे? हाँ मिलेंगे, हम मिल लिए तो आने नहीं देंगे ना। हाँ। हम तो खुश रहते हैं, या फोटो आने तभी छिपा के चली आई बेचने के लिए सड़क में। अभी आप लोग यही सर बताइए कि यहीं पे रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। अयोध्या में विकास हुआ है? अभी विकास दिख रहा है, बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? अरे मंदिर बन गया, बहुत लोग आ रहे हैं दर्शन कर लेके, सब लोग का रोजगार चल रहा है।
विकास ही हुआ है ना। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? विकास ही मुद्दा है, हमको विकास मिल रहा है, विकास ही मुद्दा रहेगा हमको। हाँ, हम उसी पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी आज यहाँ आने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, क्या लगता है इसके बाद चुनाव में कुछ और परिवर्तन आएगा? चुनाव में तो पहले परिवर्तन आ गया, मंदिर बन गया है। तो मोदी की गारंटी लगातार बीजेपी बोलती है कि इस बार मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी चल रही है, गारंटी ना चलेगी। जो वादे किए वो पूरे हुए? हो रहे हैं ना, पूरे हो रहे हैं। तो आपको क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला हमको। क्या मिला? अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपना रोजगार कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है, व्यवस्था ठीक है? ठीक ही व्यवस्था है, सुरक्षा है यहाँ पे, है ना, बहुत है। तो इस बार किसको वोट करिएगा? मोदी जी को करेंगे। काहे कीजिएगा? अरे करेंगे, हमारी इच्छा है। अच्छा, हमको अच्छा लग रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं मेरे पीछे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पे आए हुए हैं तो आप महाराष्ट्र से आए हैं, चलिए विकास बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है ना, मोदी जैसा आदमी हो ही नहीं सकता है।